हेलो एवरीवन, स्मितास फूड मैजिक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं बची हुई इडली से बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। तो जिसके लिए यहाँ पे मैंने ली हुई है इडली और उसे मैं इस बीच में से काट लूँगी। तो ऐसे आपको इडली के दो पीसेस कट करने हैं, ऐसे ही आप बाकी सारी इडलियाँ कट करके लेंगे। अब इसके बैटर के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 कप बेसन। अब हम उसमें ऐड करेंगे नमक, 1 टेबलस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा और अब हम इसमें पानी डाल के इसका एक अच्छे से बैटर बना लेंगे। ये बैटर जो है बहुत पतला नहीं बनना चाहिए, थोड़ा सा थिकनेस होना चाहिए तो ये इडली को अच्छे से कोट करेगा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको बैटर बनाना है और थोड़ा पानी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। तो आपकी बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो इस तरीके से होनी चाहिए। अब हमने जो इडली कट की थी मैं इस बैटर में डिप करूँगी। इसे अच्छे से कोट करना है बेसन से, इस तरीके से हमें कोट करना है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो जिसके लिए यहाँ पर मैंने ऑयल ऑलरेडी गरम कर लिया है और इसमें मैं इडली फ्राई कर रही हूँ। तो इस इडली को जो है हमें अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने और एक इडली फ्राई करने के लिए रख दी है। तो आप देख सकते हैं मेरी इडली को बहुत ही अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे बाहर। तो ये बची हुई इडली से ये जो रेसिपी आज हमने बनाई है वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्मिताज़ फूड मैजिक।